हेलो एवरीवन वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज जिस पे अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं टाइप वन हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिस्कस कर लिया है जिसके बाद अभी हम टाइप टू डिस्कस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखो क्वेश्चन क्या है द एस्कीमोज लिव्स इन लाइव्स इन तो एस्कीमो कहाँ पे रहते हैं कहाँ पे मैक्सिमम होते हैं तो वो होते हैं कनाडा एंड अलास्का वाली साइड में ठीक है ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है और एस्किमो कौन लोग होते हैं जो बर्फ़ में रहते हैं और इनके जो घर होते हैं वो भी बर्फ़ पे ही बनाए जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है इग्लू बोला जाता है और वो इस टाइप से घर जो हैं वो बनाए जाते हैं ये पूरे बर्फ के घर होते हैं ठीक है तो गर, बर्फ के घर को क्या बोला जाता है इग्लू और वहां पे जो रहते हैं उनको क्या बोला जाता है एस्कीमोस तो देखो एस्कीमोस और इन्यूट यूपिक पीपल्स आर इंडिजिनस पीपल हु हैव ट्रेडिशनली इनहैबिटेड दी सरकम्पलर रीजन फ्रॉम ईस्टर्न साइबेरिया अक्रॉस अलास्का कनाडा एंड ग्रीनलैंड ओके देर आर टू मेन ग्रुप दैट आर रेफर्ड टू दीमो कौन से होते हैं यूपी In uh, तो, और इन इन कनाडा एंड ग्रीनलैंड दर्म एस्कीमो हैज फॉलन आउट द्स कंसिडर्ड प्रेजिव एंड हैज बीन रिप्लेस्ड बाई दर्म इन्यूट ठीक है तो एस्कीमो और इग्लू का आपको पता लग गया और ये रहते कहां पे हैं ये भी आपको आइडिया हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन मॉरिस इन दर्म यूज फॉर दिजिनल पीपल ऑफ तो कहां पे रहते हैं एवोरिजिनल होता है आदिवासी समुदाय के तो मॉरिस जो आ, आदिवासी टर्म्स है आदिवासी पीपल है वो कहां पे हैं फिजी न्यूजीलैंड साउथ अमेरिका या फिर तस्मानिया तो राइट आंसर है इसका न्यूजीलैंड माओरीज जो जनजाति है या फिर जो आदिवासी लोग हैं वो आपको मिलेंगे न्यूजीलैंड में द माओरी आर द इंडिजिनस पोलिनेशियन पीपल ऑफ न्यूजीलैंड द माओरी ऑरजनेट विद सेल्टर फ्रॉम ईस्टर्न पोलिनेशिया हु अराइव्ड इन न्यूजीलैंड इन सेबरल वेव्स ऑफ कैनो वेजिज एट समाइम बिटवीन द कब साढ़े बारह सौ से तेरह सौ के बीच में आए थे ये और ये इंडिजिनस पीपल है कहां के न्यूजीलैंड में तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज दर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन आफ्टर चाइना एंड इंडिया तो देखो आपको पता है चाइना फर्स्ट है इसके बाद इंडिया सेकेंड है और थर्ड नंबर पे है कौन सी यूएसए ठीक है यूएसए थर्ड पे है फोर्थ नंबर पे है इंडोनेशिया और बांग्लादेश का नंबर है आठवें स्थान पे ओके और जो एरिया वाइज है आपको पता है रशिया जो है वो टॉप पे है इसके बाद फिर आता है कनाडा का नंबर तो यूनाइटेड स्टेट इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना एंड इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म क्रॉल इज यूज फॉर तो क्रॉल क्या होता है किस लिए यूज किया जाता है क्रॉल यह है फेंसड विलेजिस ऑफ मसाई हार्डर हरडर जो मसाई जो मसाई भी एक ट्राइब है अफ्रीका की ठीक है तो जो मसाई चरवाहे होते हैं पशुपालक होते हैं उनके घर में जो फेंसेस जो लगाए होते हैं उनको उनको बोला जाता है क्रॉल वहीं से यह टर्म निकल के आया है और अभी हम इंडिया में क्या होता है इंडिया में भी क्रॉल का यूज़ किया जाता है लेकिन वो किया जाता है जैसे हाथियों के लिए जो इसका मतलब होता है बाड़ा टाइप का बनाना यहाँ के इसके अंदर हाथी वगैरह रहो और उसके बाहर फिर एक प्रॉपर फेंसिंग की जाए ठीक है तो क्रॉल का यूज़ जो है वो यहाँ पे किया जाता है हाथियों के लिए बाड़ा बनाने के लिए तो देखो क्रॉल रेफर्स टू ए टर्म कॉन्गने टू कॉरल यूज इन एन अफ्रीकन a फॉर ए कैटल पेन और एनक्लोज सराउंडेड बाई fence. ठीक है तो ये मतलब होता है क्रॉल का और मसाई पीपल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये अफ्रीका की ट्राइब है ये देखो मसाई इज ए प्रीमेटिव ट्राइब ऑफ तो कहाँ की है अंगोला बोत्सवाना नाइजीरिया या फिर तंजानिया तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर तंजानिया देखो मसाई पीपल ऑफ ईस्ट अफ्रीका लिव इन केनिया एंड नॉर्दर्न तंजानिया अलोंग द ग्रेट रिफ्ट वैली देखिए चीज आपने याद रखनी है द ग्रेट रिफ्ट वैली कहां पे है वो है तंजानिया में ऑन सेमी एरिड एंड एरिड लैंड्स लाइफ स्टॉक सच एज कैटल गोड्स एंड शिप आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मसाई पीपल ठीक है तो कई वर्ड ट्राइब्स के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि मसाई जो पीपल हैं वो कहां निवास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनो इस ए ड्रेस स्टाइल ऑफ विच एशियन कंट्री मोनो जो है वो एक ड्रेस स्टाइल है और कौन सी कंट्री का है तो राइट आंसर है इसका जापान ठीक है कि मोनो होता है एक ऊनी वस्त्र होता है गर्म कपड़ा होता है जो चाइनीज लोग ऊपर पहनते हैं द किमेनो इस जैपनी ट्रेडिशनल गारमेंट दैट इज मोस्ट ऑफन वॉर्न बाई वेमेन एंड वन स्पेशल ओकेजन इट इज इन फॉर्म ऑफ Full length robes that is always used in important festival or formal moment. It is the representative of polite and very formal clothing. ठीक है तो कि मोनो के बारे में आपने याद रखना है कि ये एक जापानी ड्रेस टाइल है. Next, which one of the following tribes practiced pastoral nomadism? इसका मतलब होता है खाना बदोसलोग मतलब कौन सी ट्राइब है जो खाना बदोस खाना बदोस क्या होता है जो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं मतलब उनका एक प्रॉपर ठिकाना नहीं होता है आज वो यहाँ पे रुके कल वो दूसरी जगह पे रुकेंगे परसों तीसरी जगह पे रुकेंगे तो इसलिए वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं तो उनको बोलते हैं खाना बदोस ठीक है तो वो कौन सी ट्राइब है बोरो मसाई पिगमीस या फिर एस्किमो तो इसका राइट आंसर है पिगमीस मसाई पीपल आपने देख लिया कहाँ पे तंजानिया केनिया वाली साइड में और पिगमीज कहाँ पे होते हैं ये होते हैं इक्वेटर वाली साइड में अफ्रीका की हैं देखो मसाई भी अफ्रीका की है और पिगमी भी अफ्रीका की है पिगमी जो ट्राइब है वो इक्वेटर लाइन जहाँ से गुजरेगी आप देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जहाँ से इक्वेटर लाइन गुजर रही है जैसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया कीनिया हो गया तंजानिया हो गया आ, अंगोला हो गया जाम्बिया हो गया मलावी हो गया तो इस वाले एरिया में जो है ये पिगमीज़ पीपल पाए जाते हैं ठीक है और ये एक खाना बदोस है और बोरो ट्राइब जो है वो आसाम में पाई जाती है और एस्कीमो के बारे में आपने पढ़ा साइबेरिया और कनाडा अलास्का वाला जो एरिया है वहाँ पे एस्कीमो पीपल पाए जाते हैं देखो पिगमीस आर नोमेडिक hunter gathers who live in the equatorial rainforested central africa as well as part of southeast asia they are nomadic and obtain their food through a mix of foraging, hunting fishing tradition trading with inhabitants of a neighboring village their cultural identity is very closely tied to the rainforest एज आर देयर स्परिचुअल एंड रिलीजियस व्यूज ठीक है तो ये ट्राइब्स के बारे में आपने देख लिया कौन कौन से ट्राइब जो है वो कौन से एरिया में ज़्यादा पाई जाती है नेक्स्ट है येलो कॉम्प्लेक्शन मीडियम स्ट्रक्चर ओब्लिकाई विथ एन एपिथेन्टिक फोल्ड आर द्रैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ तो ये किसके फीचर हैं मंगोलाइड के नेग्रोइ के या फिर ऑस्ट्रोइड के या फिर कॉन्सोइड के तो राइट आंसर था मंगोलाइड। मंगोलाइड जो पीपल है वो इस टाइप से उनका जो विशेषता है वो इस टाइप से रहेगी जो क्वेश्चन में बताया गया है तो देखो एस पर सर हर्बर्ट रेजली क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेजिस एंड मोंगोलाइड आर ऑफ शॉर्ट स्ट्रक्चर येलो इन कॉम्प्लेक्शन हैव मीडियम नोज फ्लैट फेस होता है एंड ऑब्लिकाइज ठीक है विथ एन एपिक फोल्ड देयर रिप्रेजेंटिवस आर किन्नेट्स कहाँ पे हैं या किन्नर भी जिनको बोला जाता है जो कहाँ पे आपको मिलेंगे लाहौल स्पीति किन्नौर और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में पड़ती है इन तीन तीनों डिस्ट्रिक्ट में आपको ये पीपल मिलेंगे ठीक है लेप्चा पीपल कहाँ पे मिलेंगे आपको मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में या फिर सिक्किम में और भूट भोटीज जो होते हैं ये मिलेंगे आपको उत्तराखंड में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे और जो थारूस पीपल हैं ठीक है थीके? जो थारूस पीपल हैं वो मिलेंगे आपको तराई वाले एरिया में तराई वाला एरिया जो मैंने आपको पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है हमने कि तराई वाला जो एरिया होता है जो हिमालय के साउथ में जो पड़ता है हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसके साउथ में जो एरिया पड़ेगा जैसे उत्तराखंड हो गया बिहार हो गया नेपाल हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया ये वाला जो एरिया हो गया ये पड़ता है तराई वाला क्षेत्र में ठीक है तो थारू जो ट्राइब है ये भी इस एरिया में पाई जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वट डू यू मीन बाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने बंदे निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं ठीक है तो नंबर ऑफ पर्सन लिव पर स्क्वायर किलोमीटर ऑप्शन नंबर टू इसका राइट right आंसर है इंडिया में कितना है डेंसिटी वो है थ्री एट्टी टू अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सेंसस देखो फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी दी नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरिया यूजली कोटेड पर स्क्वायर किलोमीटर ठीक है या स्क्वायर माइल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अराउंड सेवन अरब द सेवन सात अरब की जो टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है और ये एरिया है और यहाँ पे जो अगर वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जो डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी है थर्टी फाइव पर स्क्वायर किलोमीटर ठीक है और इंडिया में कितनी है थ्री एट्टी टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पोलर रीज़न्स आर पार्सली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ पोलर जो रीजन है वहां पे जनसंख्या क्यों है क्यों कम गया? कम क्यों जनसंख्या है तो लैक ऑफ मिनरल्स मिनरल्स बता रहे हैं वहां पे, अनसुटेबल क्लाइमेट कंडीशन तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू वहां पे जो है रहने के लिए क्लाइमेट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है वहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज्यादा टफ टास्क है तो देखो द पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो इन पोलर रीजन बिकॉज द क्लाइमेट इज टू कोल्ड एंड हार्स द पीपल टू सर्वाइव देयर द पोलर रीजन सच एज द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका आर्कटिक पड़ता है नॉर्थ पोल में अंटार्कटिका पड़ता है साउथ पोल में आर दी कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ विद लिटल और नो वेजिटेशन टू सपोर्ट द रेजिडेंट पॉपुलेशन ओके मोस्ट ऑफ द पोलर रीजन आर कोल्ड डिजर्ट ये भी आपको पता है जो पोलर में पोलर रीजन है वहाँ पे जो ठंड है वो बहुत ज्यादा रहती है और इसलिए वहाँ पे जो डिज़र्ट हैं वो कोल्ड डिजर्ट हैं तो यहाँ से आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में